अस्सलाम वालेकुम भाई, तशरीफ रखिए जी। हाजरीन, पैसे पहुंचा दिए थे यार, मैंने सलाम कर लिया है, इजाजत है? कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता, फिर उसके बाद अगर आपने शायरी नहीं सुनी तो मुशायरा सुना दूंगा। सुना, ये जो लोग कुर्सी पर रखे हुए हैं है ना, वो अभी तक रखे हुए हैं, ये सब जो ज़मीन पर बैठे जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, मैं आपके उर्दू दोस्ती को सलाम अर्ज करता हूँ। आपने बहुत अच्छा सुना। मैं उस वक्त जब मुशायरा शुरू हुआ कि मैं देख रहा था कौन नीचे, सब कुर्सियाँ तलाश रहे थे, लेकिन आप लोग ज़मीन पर बैठ रहे थे। मैं चंद शेर पढ़ता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा लग जाए कि आप अभी थके नहीं हैं। सुनिएगा विजय भाई, मतलब यूं सुने के ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। वाह, मुझे एतमाद है दूसरे मिजर भोपाल जब, ये विजय भाई ने इतना मुझे प्रेशर में ले लिया, ये है भोपाल। जब कोई शेर पढ़ते थे ये है भोपाल, यानी कि हम लोग तो कुछ करने आए नहीं, जो करें यही करेंगे वो सब। हाँ, यकीन जाने मैं तो बड़ा परेशान था जब ये इतना ही मामला था, विजय भाई तो हमको बुलाया क्यों गया। मैं बताता हूँ, ये है भोपाल कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। दूसरे मिसरे पर भोपाल कुहे फिजा पहुंचेगा, अभी जितने लोग पहुंचे सबको कुहे फिजा, मुझे एतमाद है, मुझे मालूम है कैब भोपाली का भोपाल है। पेश करता, सुनिएगा, जो लोग मेरे लिए सभी काबिल एहतराम है, एक मतलब पढ़ता हूं कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। प्लीज ये मोबाइल थोड़ी देर के लिए प्लीज, मेरे बहुत अदब के साथ गुजारिश है, ये सब यूट्यूबर्स खड़े हैं तो ये सब आप सुनेंगे बेटा, प्लीज। भैया छोटू प्लीज, याद जब भी तुम्हें मेरी आए ना, तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पर सर्च कर लेना। थोड़ी देर के लिए अगर आपने मुझे, मैं आपका उतना ही वक्त लूंगा जितना मैं दूंगा, अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप मुझसे कितना सुनना चाहते हैं। कि ना दुश्मनी, विजय भाई उठाएंगे नहीं, ना दुश्मनी, अब कोई नहीं, अब मैं आपसे बात, स्टेज पे कोई नहीं हिलेगा, विजय भाई कहीं नहीं, अब सब कुछ यहीं से होगा। कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा, अभी तो सब्र से। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई, जिनको कहा जाए कि हम लोग को जब साथ होते हैं तो हमको आशीर्वाद देते हैं, हौसला देते हैं, विष्णु भाई बैठे हैं, ये खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएंगी, मैं आपको यकीन, जब मैं शुरू करूंगा, लेकिन जब मैं कैब भोपाले भोपाल में हूं तो कुछ शेर भी सुनाने की कोशिश करता हूं, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, सुनिएगा। कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा, तुम्हारी बज्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। बहुत अच्छा विजय भाई, विजय भाई ये है भोपाल, ये है भोपाल। ये है भोपाल, ये है भोपाल। तुम्हारी बज्म में बोली लगी मेरे सर की, एक मतलब और सुने कि अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। भैया हाथ खोलिए, ये आप हाथ खोलिए, हाथ खोलिए। हाँ, अब क्या आपको मिर्जा गालिब आएंगे सुनाने, अब वो इस दुनिया में नहीं, हमें सुनना है। मतलब सुनिएगा खास तौर से, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। वाह, अकेले मेरी क्या जरूरत, मेरी क्या हैसियत के भोपाल में दावा करूं कि मैं शेर सुना रहा हूं, सब मेरे अपने लोग हैं जिन्होंने हाशिम को हाशिम फिरोजाबादी बनाया है, लेकिन मैं जरूरत करता हूं, एक मतलब पढ़ता हूं। आइए, आ गए आप, आइए, हम ही शुरू हो गए थे, जल्दी आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। वाह, प्लीज बैठ जाइए, इधर उधर कोई मशीन लगी है कि आदमी बनाने की।
बैठ जाइए थोड़ा भैया, रोक दीजिए किसी को। मतलब पढ़ता सुनेगा मेरे, मुझे जब मैं तरन्नुम में पढ़ूं आप खूब इधर तो टहलिएगा, जब मैं आपको तहत में सुनाऊं तो कुछ मेहनत से सुना रहा, सुनेगा कि अकेले पन की क्या कहना आशिम, अजब इंतहाएं करता है। वाह, तुम्हारे बाद ये घर साए साए। वाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। आपने बहुत अच्छा सुना, अच्छी शायरी में इतनी कम दाद आती है मुझे मालूम है। मैं शेर पढ़ता हूं, अकेले पन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं। हाजरीन, जब ये तस्वीर सामने आई मुझे याद आ गया वो मुशायरा, जब मुझे हजरत राहत इंदौरी साहब फर्स्ट टाइम मुझे इकबाल मैदान लाए थे। यकीन जानिए, अल्लाह सलाम, नहीं नहीं वो अंदाज तो मेरा नहीं हो सकता, राहत बेराहत भाई थे, हमारी क्या हैसियत क्या है, बस हम उनके फॉलोअर हैं, हम तो उनके फॉलोअर हैं, बस थोड़ा सा जुड़ जाए मुझे अच्छा लगेगा। मैं अभी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है, लबों पे जिसके रही बद दुआएं मेरे लिए, वाह ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। थोड़ा सा भोपाल जाग जाए, भोपाल थोड़ा सा जाग जाए। जब मैं मुझे देखिए, मेरा आज इंटरनेशनल अपमान हुआ है। दाएं बाएं करता है। अच्छा, मैं देखिए काम वही कर रहा है जो मैं कर रहा था बैठा। जैसे मैंने पीछे देखा तो विजय भाई और नदीम भाई अपना काम कर रहे थे। अच्छा, ये लोग मुझे दाद नहीं देते, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है, ये लोग मुझे दाद नहीं देते, उसकी वजह है मैं भी नहीं देता। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है, लबों पे जिसके रही बद दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। मतलब सुने कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। वाह, मैं कुएं फिजा पहुंच रहा हूं आपको लेकर, समझ गए ना, वो मगरिब के बाद मोहब्बतों का। अच्छा, आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी मगरिब बाद बहुत बैठा हूं वहां। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। बहुत अच्छा आशिम, मतलब अच्छा था, मतलब अच्छा था, आप थोड़े से चूके। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं, ए आशिको मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। बहुत अच्छा आशिम, वाह 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 वाह। ए आशिको मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया। मुझे, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, तमाम शेर यहाँ सुनाए गए और बड़ा कब नाम लिया गया महेंद्र भाई का और राहुल भैया का, मैं एक शेर पढ़ता हूँ और उनकी उनकी दुआएं चाहता हूँ कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मिसमार कर, विजय भाई दाद दीजिए। यकीन जानिए भैया, दाद वाला शेर तो सुनाओ, तब तो दाद दूंगा। विजय भाई, हमने तो उन शेरों पर दाद दी जो हमें समझ में नहीं भैया, तो हम वही शेर सुनाते जो तुम्हारे समझ में ना आए भाई। ये वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ, ए आशिको मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूँ, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, ओहो मैं अपने आप को तैयार करके आया हूँ, मुझे खबर थी कि तू मेरा वाह कहना पड़ता है, ऐसा कहना पड़ता है, ये मुझे अपने आप को बेकार करके आया है। मैं अपने आप को, मैं कभी रात हो चाहे दिन हो, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, खुदा की कसम मैं बेकार नहीं हूँ, तो वो और होंगे मगरिब बाद बेकार होते होंगे। मैं अपने आप को तैयार करके, एक गजल का मतलब और सुनाता हूँ, सुनिएगा। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। वाह, गजल के नाम पे मैं ये मतलब सुनाता हूँ। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। वाह,
आप थोड़ा सा चौक, थोड़ा सा चूक रहे, थोड़ा सा चूक रहे। मोहब्बतों कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। वाह, तुम्हें तो कोई भी, वाह बेटा मोबाइल जेब में रख ले भाई। अभी एक बात बता, तू वीडियो बनाएगा जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएगा, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, किसे किसे संभालूंगा यार। वाह वाह वाह, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, वाह मोहब्बतों में नुकसान तो उठाना था, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। अभी तक आप देखिए, मैंने सदर मौसूफ को बिल्कुल भी मैंने ये नहीं कहा साहब तवज्जो चाहता हूँ, लेकिन एक शेर पढ़ता हूँ और सदर मौसूफ का ध्यान चाहता हूँ। गजल के नाम पर मैं एक शेर सुनाता हूँ कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। वाह 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 वाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा सुना। वाह वाह वाह, वो खत तुम्हारा, वाह वाह वाह, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। सुनना भैया मोबाइल वाले नौजवान साथी, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। ओहो, ये इंग्लैंड वाली गजल अब पढ़ रहे हैं, वो अंग्रेजी वाली, ये वो ऑस्ट्रेलिया वाली है। हाँ अच्छा अच्छा, वही। हाँ अभी हमारा नदीम भाई का एक टूर है, उसके लिए गजल कही गई जी, सुनिए खास तौर से। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। ओहो वाह, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। क्या कहना, वाह 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 वाह। अगर भोपाल को लगे कि मैंने गजल का मयार नहीं मरने दिया, गिरने दिया है, तो मुझे दुआएं जरूर, तो इन काफियों पर थोड़ा सा ध्यान, और स्टेज मुझे दुआएं दे अगर कहीं से चौंकाऊं। सदर मौसू में विष्णु सक्सेना जी बैठे हैं, मेरा भाई हास्य का एक बड़ा नाम भैया चौबे जी, सुनना खासतौर सुने कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है एग्जिट नहीं है। वाह 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 वाह, वन वे है मैडम, खुशी भाई ये राहे इश्क है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है, ये अल्लाह करिए जिस काम से जा रहे हैं उसमें नाकाम हो जाए, ये जिस काम से उसमें नाकाम हो जाए, आप क्या कह सकते हैं। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है एग्जिट नहीं है, बिछड़ कर मुझसे ये हालत है उसकी, ओहो अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। क्या कहना, वाह बिछड़, एक बार और, क्या गारंटी है दोबारा समझ में आ जाएगा। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, ऐसा मत समझना कि मैं उन शायरात को देख रहा हूं, नहीं, मेरा नहीं, भाई मन्नान फराज बहुत खूबसूरत है, ये अलग बात के बेबी नहीं वो बेबा है, सही बात है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है, बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है, तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है। वाह, तुम्हारे वाह, प्यार वाह, के वाह, दफ्तर में बेबी हमारा, मुझे सदर मौसूफ मलिकजादा जावेद साहब ने दुआओं सुनावा था, इसका मतलब होमवर्क करने में कामयाब होगा। एक बार दोनों हाथ खड़े, जोरदार तालियां भाई विजय तिवारी साहब, राहुल भैया की मेहनत के लिए, महेंद्र भैया की मेहनत के लिए तालियां कमजोर हैं, एक बार बड़ी ताली, दोनों हाथ खड़े जोरदार तालियां। भैया बताइए कि आपको जो आपको परोसा गया मुशायरे का जो मकसद था, सुनिएगा कि सुनिए, खासतौर से पेश करता हूं, जो ना अब तक हुआ
कर दिखाएंगे हम। वाह, मुझे एतमाद है दूसरी लाइन पे भोपाल जागेगा, जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। तालियां कमजोर है, मुझे एहसास होना चाहिए मैं भोपाल में खड़ा हूं, मेरे बाद शौरा इकराम आएंगे, वो कहेंगे कि हम आपको तालियां बजाने के लिए नहीं कहेंगे, वो उनका अपना स्टाइल है, मेरा यही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि वो आके बाद में ऐसा ना बोले। सही बात है। जो ना अब तक हुआ, चौथी लाइन में मुझे एतमाद है आप दुआएं देंगे, जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदोस्ता को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया। वाह वाह, फिर से सोने कमकल हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। वाह वाह, अरे हमसे क्या मतलब, हम तो उस रसूल की उम्मती हैं जिसने कहा कि तुमको बेजा खून बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं है, जिसके रसूल ये कह रहा हो को आपको बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं, वो उम्मत बेजा खून कैसे बहा सकती है। वाह, थोड़ा सा जुड़ जाएं, जिस मकसद के लिए मुझे रोका गया मैं खड़ा हूं, लेकिन मैं चाहता मुझे यह एहसास रहे कि जितने अगर आखिर सफ तक लोग अगर ये कुर्सियां फुल होती तब भी मुझे ऐसे ही सुना जाता जो इस वक्त सुना जा रहा है। पेश करता हूं, जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदोस्ता को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। चार मिसरे पेश करता हूं, मैं चला जाऊंगा भोपाल के अच्छे लोगों, लेकिन आपकी दुआएं मेरे साथ सफर करेंगी, सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर हैं, वाह 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 वाह, मोहर लगाना, पेश करता हूं। वाह वाह वाह, क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। वाह 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 वाह, वाह, न मैं जापान वाला हूं। चला जाने दो, चला जाने दो, खैरियत से निकल जाने दो। ये आ गए भाई साहब, दो के बदले एक मिलता है। अच्छा, यहां जोड़े से जाते हैं, हमारे यहां तो अकेले जाते हैं। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं, आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं, वतन पर जा लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूं। वाह 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 वाह, न मैं जा, जो लोग खामोश बैठे मेरी सच्ची शायरी पे अल्लाह करे इनकी कुर्सी टूट जाए। न मैं जापान वाला हूँ, न मैं जापान वाला हूँ, न पाकिस्तान वाला हूँ, वतन पर जा लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूँ, इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से, इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं, हिंदुस्तान वाला हूं, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं, हिंदुस्तान वाला हूं। चार लाइन पढ़ता हूं जी,
शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं। क्या कहना, मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरी चार मिसरे एक तरफ। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। वाह 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 वाह। इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, हो सकता कल आपको शायरी याद रहे ना रहे, महेंद्र भैया राहुल भैया, इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। जी शरीक होना शहीदाने, अगर मैंने फिरोजाबाद से भोपाल तक का सफर किया तो सिर्फ यही चार मिसरे पढ़ने आया हूं। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं, कभी झुकने न देंगे हम हाथ आपके अब खुले, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, के हम तामील हुक्मे मज़हबे इस्लाम करते। वाह 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 वाह। क्या कहना हाशिम फिरोजाबादी साहब, क्या पैगाम दे रहे हैं भाई, वाह 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 वाह। ये मुझे फिर से पढ़ना चाहिए एक बार जोरदार ताला महेंद्र भैया के लिए, अगर राहुल भैया के लिए जिन्होंने इतनी महफिल सही आप महफिल सजाई जो आप तक पहुंच, सुनिएगा जी। ये सांस तो ले इल्लाहमा साबरीन हाशिम, अल्लाह सब्र करना। हाँ हाशिम, ये बिल्कुल ऐसे कह रहा है जैसे गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा। सुन लो ए आशिको, आई लव यू। सुन लो ए आशिको, बाबा करना पड़ता है भाई, उठ के बैठ, आज मुशायरा नहीं होता कहां सोता तू। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। अगर चौथी लाइन पे भोपाल चौके तो मुझे दुआएं दे। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। वाह 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 वाह। क्या कहना हाशिम, वाह 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 वाह। ये कहां से आवाज निकाली सर? हरी है शाख, बाबा बाबा करना पड़ता है। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। वाह, अब देखना चाहता हूं आपकी बाबा ज्यादा मजबूत है कि आपकी ज्यादा मजबूत है। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आ। वाह, अपनी बात कर रहा हूं, तुमसे क्या मतलब। अपनी बात कर रहा हूं, और जबकि मैं देख रहा हूं 24 घंटे उधर से नजर नहीं हटी इसकी, जब से मुशायरा शुरू हुआ। अपनी बात कर रहा हूं। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती। तुमने लिख के दिया क्या? हमारे ख्वाब में अब एक शेर पढ़ता हूं और स्टेज से दुआएं मांगता हूं। मिठास घोल लो अपनी जबान पे लड़को, मिठास घोल लो अपनी जबान पे लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। जैसे ही मैं पीछे जाता हूं तो मेरा भाई इशारा करता है, आ गया आ गया, रिमोट लिए बैठा है।
जब मुझे लगता है कि मेरी आवाज मुझे डिस्टर्ब करेगी तो पीछे चला जाता हूँ, इतना समझ जा। 17-18 रातों से सोया नहीं मेरे भाई, अल्लाह तुझे सलामत रखे, मुझसे कितनी मोहब्बत करता, यूं करता है, मैं पीछे जाता हूँ। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं, सुना हमारे ख्वाब में अब जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। वाह, यकीनन आपने सुना है मतला, लेकिन ऐसे सुने जब फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, क्योंकि हुक्म आपका है। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, मैं जितने गुस्से में पढ़ू उससे कहीं गुस्सा आपके हाथों में देखना चाहता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। वाह 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 वाह। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। अल्लाह करे शायरी सुन लेते तो ध्यान से क्या अंदाज है। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। सुनना, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। वाह 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 वाह। जो मेरे देश के हैं गद्दार, क्या कहना। और ये लाइन जब तक पढ़ूंगा किसी का नंबर नहीं आएगा, सुबह हो जाएगा बच्चे स्कूल भी चाहना शुरू हो जाएंगे। जो मेरे संडे हमारे स्कूल खुलता है, तुम्हारे बंद रहता होगा, क्योंकि हम बाहर। ये जब तक पढ़ो जब तक एक एक गद्दार किन्नर लिया जाए। अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, मेहमान आता है, उसे बिठाते हैं, उसे फिर सामने चाय रखते हैं, उसे चाय पिलाते हैं। आपके यहाँ नया काम होता है, मेहमान को माइक पर खड़ा कर देते हैं, फिर खुद बैठ के चाय पीते हैं। वारे मेहमान नवाज। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, ओहो इंग्लिश, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगे कि पढ़ा लिखा भी आया था। भाई बहुत अच्छा है, वाह। जो मेरे देश के हैं गद्दार, भोपाल वालों अगले मिसरे पर आप खामोश है तो मैं अपनी जगह ले लूंगा, इस मुशायरे का मकसद परोसता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं, मैं सच बोलने की हिम्मत करता हूं, तुम सच सुनकर बताओ। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर हैं, दोनों हाथ खड़कर जोरदार ताईद कर मैं पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़। सुनिएगा, जो मजलूमों को सताते हैं, विजय भाई, जो मजलूमों को सताते हैं, सीटी क्यों बजा रहा, पहले चौकीदार था क्या है? वैसे हम कम परेशान है चौकीदार से। बख्श भाई, हाँ अरे शुरू से अब तुमको अब समय अच्छे लगे, हम हम अच्छे नहीं होते कि विजय भाई राहुल भैया हमें बुलाते क्या और इस टाइम पढ़वाते क्या। हाँ। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। खुर्शीद भाई सुनिएगा, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को, मैं सिर्फ भोपाल नहीं आता,
मैं अक्सर लोग कहते हैं कि वो उर्दू का शायर है, वो हिंदी का कवि है। भोपाल के अच्छे लोगों, अभी तक लोग यही डिसाइड नहीं कर पाए मैं उर्दू का शायर हूँ या हिंदी का कवि हूँ। मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूँ। क्या कहना है, जिंदाबाद। मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ आपके भोपाल में तो सीधी कवि सम्मेलन में मुझे भैया बुलाते हैं। वाह, सुनना। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ सुनेगा। जो मजलूमों को सताते हैं, क्या कहना, दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह 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 लेकिन मुझे एतमाद है, जो लोग अभी तक खामोश थे वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे। यहाँ हर बेटी सीता है, वाह, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है। इससे अच्छा मेरे पास कुछ नहीं। भोपाल वालों, पेश करता हूं। कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा, मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए, वाह, हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ। अरे वाह हाशिम, क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। सुनेगा, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह वाह वाह।